नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 18 मई तक चरम पर होगी कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर, IIT वैज्ञानिकों ने बताया डराने वाला आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई देश कोरोना वायरस महामारी की दूसरी वेव से निपट चुके हैं, वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। अप्रैल के महीने में लगातार रिकॉर्ड तोड़ नए मरीज मिल रहे हैं। भारत रोजाना के नए मामलों में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये दौर कब थमेगा। COVID-19 को लेकर पूरी दुनिया में स्टडी और रिसर्च जारी है, जिसके तहत एक थ्योरी यह भी है कि पीक पर जाने के बाद स्थिति सामान्य होती है, यानी संक्रमण कम होने लगता है। इस बीच देश के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय आकलन से दूसरे लहर को लेकर एक डरावना आंकड़ा जारी किया है। दरअसल IIT के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया है कि भारत में महामारी की दूसरी लहर 14 से 18 मई के बीच चरम यानी पीक पर होगी। उस दौरान देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 38 लाख से 48 लाख तक पहुंच सकता है। इसके बाद मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आएगी। वाल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल तक देश में 28 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे। नए पूर्वानुमान में समय सीमा और मामलों की संख्या में सुधार किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में 14 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान आज रात 9 बजे से होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में 14 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। CM BS येदियुरप्पा ने कहा है कि आज रात 9 बजे से अगले 14 दिनों के लिए राज्य में कर्फ्यू लागू हो जाएगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए रोजाना सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। वहीं घड़ी में 10 बजते ही सभी दुकानें बंद करा दी जाएंगी। CM ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी तरह से बंद रहेगी। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, गारमेंट को छोड़कर कंस्ट्रक्शन और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कर्नाटक ने शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति भी दे दी है। आपको बता दें दोस्तों, CM BS येदियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य के हालात महाराष्ट्र और दिल्ली से भी ज्यादा बुरे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हमने वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को फ्री टीका लगाने का ऐलान किया है। लोग अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर फ्री में कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चुनाव अधिकारियों पर चले हत्या का केस, मद्रास हाई कोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए फटकार लगाई है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना होगा, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 मई को मतगणना को लेकर कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर प्लान नहीं बताया गया तो मतगणना पर रोक लगा देंगे। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर चुनाव आयोग 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और 30 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश करे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन पर जनता को गुमराह कर रही है ममता बनर्जी, JP नड्डा ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान COVID-19 रोधी टीके बाहरी भीतरी सहित अन्य कई मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि ममता बनर्जी ने भाजपा के नेतृत्व के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा का व्यवहार राज्य की संस्कृति और विरासत के अनुकूल रहा है। डिजिटल माध्यम से यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा कि 8 चरणों के चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने जनता को गुमराह करने और भारी भीतरी तथा संस्कृति का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उकसाने के सभी प्रयास किए हैं।
राज्य में 29 अप्रैल को आखिरी चरण के चुनाव के तहत मतदान होने हैं। 2 मई को मतों की गणना की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ओवैसी ने कहा कि आपने पिछले साल कहा था कि ताली बजाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश से कोरोना भाग गया? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़वाई? क्या केंद्र सरकार उस वक्त से सो रही थी? देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? अगर हम आत्मनिर्भर भारत हैं तो क्या सऊदी अरब, रूस और दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं? इसके आगे ओवैसी ने कहा कि मृतकों को दफनाया जा रहा है, शव जलाए जा रहे हैं और इनको खून की खुशबू आ रही है। मोदी सरकार अदृश्य हो गई है। ओवैसी ने कहा कि अगर आपके पास एमपी फंड होता है तो लोगों को ऑक्सीजन या दवाई दे सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार को पीएम केयर्स फंड में से पैसा निकाल कर राज्य सरकारों को देना चाहिए, जिससे वो कोरोना वैक्सीनेशन तेज करवा सकें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 18 प्लस के सभी लोगों का फ्री में होगा कोरोना वैक्सीनेशन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी पहल की है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस वार्ता करके कहा कि प्रदेश सरकार ने 1.34 करोड़ कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। दिल्ली में 1 मई से टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमत तय किए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में प्राइवेट कर्मचारियों को कोविड होने पर मिलेगा 28 दिन का वेतन और छुट्टी, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक प्राइवेट कर्मचारियों को कोरोना होने पर 28 दिन का वेतन और साथ ही छुट्टी भी मिलेगी। इसके अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इस संबंध में सूबे के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी जिलाधिकारियों, मंडल आयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक कोविड होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि सरकार द्वारा बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित कर्मचारी जो संदिग्ध रूप से कोरोना से प्रभावित हो, आइसोलेशन में रखा गया हो, उसके नियोजकों द्वारा कर्मचारी को 28 दिन की सैलरी और अवकाश दिया जाएगा। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सुविधा तभी मिलेगी जब संक्रमित हुए कर्मचारी ठीक होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट मुहैया कराएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों में 1 मई से नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, कहा टीकों की है कमी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को टीका लगाने की अनुमति दे दी है। इस बीच देश के 4 राज्यों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की कमी है और इस कारण 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं कर सकते। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में कांग्रेस का शासन है, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस सत्ता में है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना को रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है कारगर, शोध में दावा 6 फीट की दूरी पर भी इन्फेक्शन का है खतरा। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात पर जोर देता आया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी है। यानी 2 लोगों के बीच यदि 6 फीट की दूरी होगी तो उन्हें संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत कम रहेगा। WHO की इस गाइडलाइन पर पूरी दुनिया अमल कर रही है, लेकिन एक अध्ययन से इस गाइडलाइन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का कहना है कि दूरी मायने नहीं रखती, फिर चाहे वह 6 फीट की हो या 60 फीट की, खास तौर पर जब व्यक्ति घर जैसे इंडोर जगहों पर रहता हो। द डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पिछले साल जारी COVID-19 दिशा निर्देशों पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें कहा गया था कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की प्रोसीडिंग में पिछले हफ्ते प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया है कि मिश्रित स्थानों पर हवा में फैलने वाले वायरस से कोई भी सुरक्षित नहीं है, भले ही वो 6 फीट की दूरी पर हो या 60 फीट की, और भले ही उसने मास्क क्यों न पहन रखा हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल CEO सुंदर पिचई का ऐलान, कोरोना से जंग के लिए भारत को देंगे 135 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारत में हर दिन बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से देश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में कई मित्र देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और अब गूगल कंपनी ने भी भारत की मदद के लिए 135 करोड़ रुपए की फंडिंग देने का ऐलान किया है। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। सुंदर पिचई के ट्वीट के मुताबिक भारत में कोरोना संकट को देखते हुए गूगल ने 135 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया है। ये फंड गिव इंडिया और यूनिसेफ के जरिए भारत को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अभी सस्ते में कर सकेंगे घरेलू हवाई सफर, सरकार ने किराए पर कैपिंग 31 मई तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, घरेलू उड़ानों के किराए के लिए लागू की गई कैपिंग व्यवस्था अब 31 मई 2021 तक लागू रहेगी। DGCA ने इसके लिए आदेश जारी किया है। इसके पहले ये किराए पर कैपिंग का सिस्टम 31 मार्च 2021 तक लागू किया गया था। इसके पहले इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई थी। आपको बता दें दोस्तों, पिछले कोरोना महामारी के चलते घरेलू और विदेशी एयरलाइंस पर रोक लगा दी गई थी। फिर 2 महीने के बाद मई में उड़ानों को ऑपरेट करने की इजाजत दी गई, लेकिन सरकार ने किराए पर कैपिंग कर दी थी। एक बार फिर कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, कोरोना संकट में भारत ने जैसे हमारी मदद की उसी तरह हम भी करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत को कोविड की दूसरी लहर के बीच मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व ने ट्वीट कर कहा कि वह कोरोना वायरस संकट से निपटने में मददगार स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी आपूर्ति करेगा। बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा कि जिस तरह से भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जरूरत के वक्त मदद की, उसी तरह हम जरूरत के वक्त भारत की मदद करने के लिए दृढ़ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अमेरिका के NSA के ट्वीट पर प्रतिक्रिया में कहा कि महामारी के शुरुआती दौर में जिस तरह से हमारे अस्पतालों पर दबाव के वक्त भारत ने मदद की, उसी तरह से जरूरत के वक्त में हम भारत की मदद के लिए संकल्पित हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर बोली कांग्रेस, मोदी सरकार ने जमाखोरी को दी परमिशन। जी हां दोस्तों, देश में जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। देश की दो वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अलग अलग कीमत होने की वजह से कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी सबसे ज्यादा भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक ही वैक्सीन की 5 अलग अलग कीमतें मंजूर नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार इस दुनिया की सबसे भेदभावपूर्ण वैक्सीन पॉलिसी लेकर आई है। महामारी के वक्त भी वैक्सीन से जमाखोरी की मोदी सरकार ने इजाजत दे दी है। मोदी सरकार ने वैक्सीन के लिए 18 से 45 साल की युवा आबादी को अपने हाल पर छोड़ दिया। मोदी सरकार ने 18 से 45 साल के युवाओं को कह दिया है कि उनके वैक्सीन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है, उन्हें या तो खुद से वैक्सीन लगवानी होगी या फिर राज्य सरकार अपने संसाधनों से वैक्सीन लगवाएगी, लेकिन इसमें केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, मराठवाड़ा और अरुणाचल प्रदेश के भागों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ एक दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में दिन का तापमान और बढ़ सकता है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 81 रुपए की गिरावट के साथ 46,976 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 47,057 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी का भाव भी इस दौरान 984 रुपए गिरकर 67,987 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। इसे पिछले कारोबारी सत्र में यह 68,971 रुपए पर बंद हुआ था। दोनों के वायदा कीमतों में भी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव मामूली बढ़कर $1,779 प्रति ओंस हो गया, जबकि चांदी का भाव $26.02 प्रति ओंस पर करीब अपरिवर्तित रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने फिर चली चाल, भारत को मेडिकल सप्लाई पहुंचा रही फ्लाइट्स को रोक रहा है। जी हां दोस्तों, चीन के सरकारी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए सभी कार्गो उड़ानों को अगले 15 दिनों तक स्थगित कर दिया है, जिससे निजी कारोबारियों द्वारा अति आवश्यक ऑक्सीजन कंसंट्रेट और अन्य चिकित्सा आपूर्ति चीन से करने पर में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। कंपनी ने यह कदम चीन की सरकार द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत को समर्थन एवं सहायता की पेशकश करने के बावजूद उठाया है। सिचुआन एयरलाइंस का हिस्सा सिचुआन चुआंगहांग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के विपणन एजेंट द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विमानन कंपनी शियान दिल्ली सहित 6 मार्गों पर अपनी कार्गो सेवा स्थगित कर रही है। यह फैसला सीमा के दोनों ओर के निजी कारोबारियों द्वारा चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेट खरीदने के गंभीर प्रयासों के बीच आया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलपीजी बुकिंग के नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव। किसी भी गैस एजेंसी से भरवा सकेंगे सिलेंडर। जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर पिछले साल 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव लागू हुए थे, जिसमें गैस सिलेंडर की बुकिंग को ओटीपी बेस्ड किया गया था, जिससे बुकिंग सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और बेहतर हो सके। अब एक बार फिर एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा आसान बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार और तेल कंपनियां इस बात पर विचार कर रही हैं कि कंज्यूमर के लिए एलपीजी गैस बुकिंग और रिफिलिंग की पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज किया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले साल जब एलपीजी के नए नियमों पर चर्चा हो रही थी, तब इस बात पर भी विचार किया गया था कि एलपीजी रिफिलिंग के लिए कंज्यूमर सिर्फ अपनी ही गैस एजेंसी पर निर्भर न रहे, उसके करीब जो भी दूसरी गैस एजेंसी हो उससे वो अपना एलपीजी सिलेंडर रिफिल करवा ले। सरकार और तेल कंपनियां इसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, हावड़ा ब्रिज किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।